Hey guys, welcome back another review. तो ये मूवी देखते टाइम मेरे मन में एक सवाल आया कि एक्चुअल सिनेमा है क्या। हाँ, तुम्हें गूगल से भी इसका जवाब मिल सकता है, बट जब ये मूवी खत्म हुआ तब मेरे मन में वही सवाल का आंसर आया कि यही तो है एक्चुअल सिनेमा, इसे ही तो सिनेमा कहते हैं। देखो, पहले तुम बता रहे हो ये मूवी आईमैक्स के लिए बना है, बट मेरे इधर अवेलेबल है नहीं, इधर आईनॉक्स है, बट पैसे और टाइम बचाने के लिए मैं गया नहीं, मैं पास वाले थिएटर में गया था जिसमें 3D भी नहीं है, मैं 2D में देखा, पर फिर भी मैं बोलूंगा ये लाजवाब है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मूवी देखते टाइम तुम कौन सा गलतियां निकालोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके भी बैठोगे ना तब भी शायद कोई गलतियां तुम्हें मिले। सबसे पहले तो बोलूंगा इसका विजुअल, अगर विजुअल को एक्सप्रेस करना तो मैं बोलूंगा OMG, क्या ही था ये, नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। सेकंड है इसका म्यूजिक डिजाइन किसने किया है, इसका डायलॉग डिलीवरी कौन लिखा था यार, किसने किया था ये चीज। देखो, तुम मूवी देखने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करो और बस इसका म्यूजिक और डायलॉग सुनो, तब भी तुम्हें सारी चीजें इमेजिन होगा अपने दिमाग में कि हाँ मूवी में शायद ऐसा हो रहा होगा। तुम पूरा मूवी खत्म करोगे आंखें बंद करके सिर्फ इसका डायलॉग और म्यूजिक सुन के, और बाकी सारी जितने भी चीजें चाहे एक्टिंग हो, एक्टिंग तो कर ही नहीं रहे थे लिटरली, वो जिंदगी ये लोग जी रहे थे, और तुम सीट पे बैठे हो ना तब भी तुम्हें फील नहीं होगा कि तुम सीट पे बैठो, तुम्हें लगेगा तुम उस दुनिया में घुस चुके हो, उनके साथ ही सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम भूल जाओगे तुम थिएटर में बैठे हो, तुम सोचोगे कि मैं उधर ही हूं, मैं उनके साथ ही हूं, मैं उनके साथ ही चीजें देख रहा हूं, उनके साथ ही चीजें कर रहा हूं, और उस दुनिया का जितने भी डिटेल्स है, फिर पॉलिटिक्स है, वो सारी चीजें इतना अच्छे से दिखाया गया है, शायद कोई मूवी में देखने को मिले। हाँ, सीरीज है जिसका रन टाइम बहुत बड़े होते हैं तो वो अपने डिटेल्स से दिखा सकते हैं, बट एक मूवी में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, और मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं और बहुत सारे नॉन फेस भी हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसको ज्यादा टाइम मिलता तो अच्छा होता। जितने भी सारे कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल होता है, ऐसा फील नहीं हो रहा कि किसका कम स्क्रीन पे लगे, किसी को ऐसे मिला है। बट हाँ, अगर तुम्हारा कोई फेवरेट एक्टर है जिनको तुम चाहते हो कि ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले, उनको शायद कम मिला होगा, तो वो चीज तुम्हें फील हो सकता है, बट मैं लॉजिक के साथ देखूंगा तो बोलूंगा बहुत ही परफेक्टली यूज किया गया है एक मूवी के अंदर। देखो, इसका फास्ट पार्ट बेस्ट था, बट ये बेस्ट से भी बेस्ट है, जितने भी बेस्ट मूवी है ना वो सारे इकट्ठा करोगे, अगर उसके अंदर से तुम्हें बेस्ट ढूंढने निकलना पड़ा तो ये निकलेगा, बट ये मूवी सबके लिए नहीं है। जो लोग सिर्फ मूवी के अंदर मास मसाला या फिर मारधोड़ चाहते हैं, ये मूवी उनके लिए है ही नहीं, ये मूवी उनके लिए है जो मूवी को जीना चाहते हैं, जो मूवी के अंदर घुसना चाहते हैं, जो मूवी को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, जो मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये मूवी उनके लिए है। हाँ, ऐसे नहीं कि मारधोड़ नहीं है, मारधोड़ मिलेगा, बट और भी बहुत कुछ है जो कि मीनिंगफुल और इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्स के लिए। हाँ, मैं इसको यूनिवर्स से बोल रहा हूँ क्योंकि ये यहीं पे खत्म नहीं होने वाला, ये बहुत आगे चलने वाला है, बहुत आगे चलने वाला है, शायद अलग अलग कैरेक्टर के ऊपर अलग अलग मूवी और सीरीज भी बन जाए, अगर बने तो अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगा बने, हमें ऐसी चीज एक्सपीरियंस करने को मिले, जितना मिलेगा उतना मजा है। इसका जो मेकर है या फिर जितने भी लोग काम किए हैं, मैं उनको हाथ पैर चूमना चाहूंगा, मैं बोलूंगा भाई तुम बनाते रहो, तुम बनाते रहो, थैंक यू सो मच ऐसी चीजें देने के लिए, मैं तो चाहता हूँ हर साल ऐसे करके एक एक चीज मिले जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, जिसको बाद में भी याद कर सको, हाँ भाई क्या मिला था उस टाइम, क्या मूवी था वो। और एक चीज याद रखना, अगर इसका फास्ट पार्ट तुमने नहीं देखा तो इसको देखने मत जाना, पहले उसका फास्ट पार्ट देखो फिर जाओ, या फिर तुमने अगर बहुत पहले देख रखा है तो इसको और एक बार देख लो, एक रिविजन कर लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इसका जो फास्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कह रहा हूँ, एक्चुअली फास्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं है, ये दोनों मिला के एक ही मूवी है 5 घंटे का। इसका जो फास्ट पार्ट था वो मूवी का फास्ट हाफ था, जिसके अंदर सारे कैरेक्टर बिल्ड होता है, इस पूरी वर्ल्ड को बिल्ड किया जाता है, सारी चीजें बिल्ड होता है, और सेकंड हाफ मतलब सेकंड पार्ट में मिलेगा तुम्हें असली माल, असली धमाका, असली चीज है। और ये मूवी एक बुक पर बेस्ड है, बट मैं उसको कभी भी पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैं ऐसे देख के उसको एक्सपीरियंस करना चाहूंगा। तो अब तुम बताओ, क्या तुमने इसका फास्ट पार्ट देखा है और इसके लिए तुम एक्साइटेड हो, और क्या मूवी तुमने देख लिया है फिर देखने जाने वाले हो, देखकर आके मुझे जरूर बताना कि तुम्हें मूवी लगा कैसा, और हमारे वीडियो कैसे लगे ये भी बताना, अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो छोटा सा बेल आइकन है उसके बाद दबा देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो के साथ ना, बाय बाय, टेक केयर।